लेकिन आखिरी के आधे घंटे में एक स्टॉक जहां पर पैसा बन सकता है, ये रुक करते हैं हमारा खास सेगमेंट फाइनल बेट। चलिए रजत, बताइए आपकी फाइनल बेट। बिल्कुल, छोटे मोटे वाले फार्मा स्टॉक्स पे दाव लग रहा है, लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन छोटे मोटे वाले फार्मा स्टॉक्स पे काफी स्ट्रॉन्गली एक्युमुलेशन है। ब्लिस जीवीएस स्टॉक पे नजर रखें, इनफैक्ट आज ब्लिस जीवीएस ही नहीं, वीनस रेमेडीज, जुबिलेंट लाइफ, इंडिगो, आरपीजी लाइफ, कोई भी स्टॉक देखें बहुत स्ट्रॉन्गली एक्युमुलेट होता हुआ नजर आया। ब्लिस जीवीएस के बारे में खास बात यह है कि पिछले एक महीने का ट्रेंड लगातार चढ़ता स्टॉक और अब इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर, 200 दिन के औसत के ऊपर निकला, 50 वीकली एवरेज के ऊपर अब इसने यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है आज के सत्र में। स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है और इनफैक्ट अब डिलीवरी वॉल्यूम्स में देखेंगे तो उसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है। अब पी कंपेयर करें तो इस शेयर का जो पी है लगभग 15.5 के आसपास का है, सेक्टर पी मल्टीपल 27 पे, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी मल्टीपल देख लें, एवी बाय सेल्स, एवी बाय बेटा, सभी मल्टीपल्स अपने पीएस के मुकाबले कहीं ना कहीं कम है, तो वो यहाँ पर वैल्यूएशन को सपोर्ट दे रहा है। और अगर नतीजे भी देखेंगे तिमाही दर तिमाही आधार पर तो 13.5 करोड़ के आसपास की बॉटम ने कंपनी ने दर्ज की थी, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी बेहतर थी। वाई एंड वाई बेसिस पे थोड़ा जरूर डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर रुझान देखने को मिला था। और जिस तरीके की नतीजे पोस्ट किए और जो वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है ब्लिस जीवीएस को लेकर, तो फार्मा कैटेगरी में बेहतर शेयर और बेहतर टेक्निकल्स के चलते अब इमीडिएट टारगेट यहां से बहुत ऊपर निकल के आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बेट लगाते हैं तो टारगेट रखें 136-137 के जोन्स पे, स्टॉप लॉस 126 के आसपास का लगाना हो। ब्लिस जीवीएस फार्मा, लेकिन स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है, इस वक्त 130 के स्तर पे 4.5% ऊपर स्ट्रांग मूव, रजत के इनफैक्ट ऑलमोस्ट इज एग्जैक्टली ओपिनियन की बात, 130 के स्तर पर लगभग 5.6 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पीछे चर्चा में शामिल होने के लिए। और आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जहां पर पेन है इस वक्त। टाटा स्टील ये करीब करीब 375 क्लस्टर में, HDFC, BPCL, हिंडालको इसमें पेन नजर आ रहा है। केनर्स में कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक, आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट 3801 के स्तर पर अपना ट्रेडिंग करियर का नया ऑल टाइम हाई छुआ इसने यहाँ पर। देन कोल इंडिया 337 के स्तर पर, कोल इंडिया ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये टनन साहब, कोल इंडिया पे आपकी राय, आई मीन CY16 के नए हाईस पे कोल इंडिया, ये प्राइस 337 का एंट्री पॉइंट ठीक है या फिर अभी आप कंफर्टेबल नहीं है इस प्राइस से? देखिए, कोल इंडिया रेंज में ही रहेगा, ऐसा अभी तक उसमें कुछ संकेत नहीं आया जिसके कारण ये अनुमान लगाया जाए कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक ठाक बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइसिंग है वो सॉफ्ट होती रहती है, तो इसलिए ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ जो है सब्ड्यूड रहेगा। बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ होना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और इस वक्त अगर आप देखें तो ऑफटेक भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है इस कोल में, तो ये ओवरऑल क्योंकि शायद यू नो डिविडेंड देते रहते हैं, इसलिए डिविडेंड प्ले अच्छा है, ग्रोथ के लिए मैं नहीं मानता कि ये अच्छा पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। कोल इंडिया फॉर द टाइमिंग शायद अवॉइड करना चाहिए इस प्राइस पर, अगर आप देखें बहुत रिवॉर्ड नहीं खुला है। एक बार मैं मिड कैप में इनफैक्ट कुछ काउंटर्स जो कि अच्छे लग रहे हैं, जिसमें अगर आप आदित्य बिरला फैशन को देखें, इसमें स्ट्रॉन्ग मूव था। बजाज फाइनेंस आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव, 150 रुपये का यहाँ पे अनंत राज अच्छा कर रहा है। बाकी BSGVS फार्मा अभी रजत ने बात की इसकी, कास्टस टेक्नोलॉजी, डेल्टा कॉर्प अब 128.8 रुपये, क्या सीरीज रही अगस्त का महीना, आई मीन इसने 93 से मूव देना शुरू किया, अब 127 स्ट्राइक कर चुका है, क्या गजब मूव रहा है इस स्टॉक का। अब तो खैर बात करना भी मुश्किल लगता है, 95, 90, 104, 105, 110 के जोन में तो मैंने भी बहुत बात की थी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इसमें। बाकी फिर आप देखिए कि एवर एड इंडस्ट्रीज ये करीब 14 रुपये ऊपर 264 के स्तर पे यहाँ स्ट्रॉन्ग मूव, एवर इंडस्ट्री। गॉडफ्रे फिलिप्स ये करीब 47 रुपये ऊपर, और फोर्टिस हेल्थ केयर ये अब 191 स्ट्राइक कर चुका है। आज इसने ऑलमोस्ट अपने आई थिंक CY16 का नया हाई छुआ, बहुत कम फ्रैक्शन से, लेकिन हाँ फिर भी छुआ। अभी सर मैंने दो स्पेस का जिक्र किया रनन साहब, आई मीन एक तो हेल्थ केयर स्पेस, फोर्टिस हेल्थ केयर का, अपोलो हॉस्पिटल का जिक्र किया मैंने, और अभी एक मैंने बैटरी सेगमेंट स्टॉक्स का जिक्र किया था, एक्साइड, अमराजा बैटरीज, एवर एन इंडस्ट्रीज, इनमें से कुछ प्रिफर करेंगे आप सर? देखिए, वैल्यूएशन सबके स्ट्रेस्ड है, लेकिन अगर आपको लेना ही है तो बैटरीज में शायद इस वक्त मुझे लगता है कि एक्साइड में कुछ फिर से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि उनका जो मार्जिन है फिर से थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हुआ है। बहुत ज़्यादा तिमाहियों से वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे अमराजा को लेके, लेकिन वो टर्न अराउंड अब शायद होना शुरू हो सकता है। और जहाँ तक आपने दूसरा शेयर कौन सा बोला? मैं बैटरी के साथ साथ मैंने अगर आप देखें हेल्थ केयर सेगमेंट का जिक्र किया था, फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, हेल्थ
जी हेल्थ केयर सेगमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है इस वक्त, उससे अच्छा शायद मेरे हिसाब से फार्मा ही बेटर रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। हेल्थ केयर में बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत टाइम लगता है उसको पैसे बनाने में, और उसमें कोई चीप स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। जी चलिए इस बीच एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, आज कम से कम इसने स्टेडीनेस दिखाई। इसकी रेंज भी आप देखिए 19,000 के ऊपर ही निकला, लेकिन हार्डली टिका वहाँ पे 18,838 तक ये फिसल गया था एक बार पॉलिसी के बाद, बट अगेन 18,922 के आसपास कोई खास बदलाव के बगैर ये बंद होते हुए। शर्मिला द नेक्स्ट बिग इवेंट विल बी ऑब्वियसली SBI नंबर्स, 12 तारीख को इसकी घोषणा होने वाली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर एक्सपेक्टेड लाइन पर रहे नतीजे, फॉरगेट एसेट क्वालिटी ये वो, हालांकि चांसेस हैं बिकॉज ये जो 5 बैंकों का मर्जर होना है उसमें यू नो एज अ प्रिपेरेशन टू दैट हमने देखा है कि इनके एसोसिएट बैंक्स में भी काफ़ी क्लीनअप हुआ है, विल हैव टू सी व्हाट SBI डज। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेड लाइन पे रहे नंबर्स तो SBI को डू यू सी देम आउट परफॉर्मिंग यहाँ से? यस आई वुड थिंक सो, यू नो आई थिंक दो तीन वजह है। एक तो आई थिंक जहाँ तक नंबर्स या खराब नंबर्स डिक्लेयर करने की बात है तो वो शायद प्रोसेस स्टेट बैंक में पहले चालू हुआ, यू नो यू सी दैट व्हेनेवर चेयरमैन चेंज होता है तो जो 2-3 क्वार्टर रहते हैं वो उसमें एक काफ़ी एक क्लीन अप जैसे दिखता है। सो आई थिंक वो फेस में से बैंक निकल चुका है एंड नाउ इट इज़ रियली द टर्न ऑफ द सब्सिडियरीज टू डू दैट, तो आई थिंक वो एक बड़ी वजह होगी। सेकेंडली आई थिंक अगर आप PSU बैंक्स में इतना रन अप देख चुके हैं तो विद इन दैट स्पेस आई थिंक स्टेट बैंक एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर नंबर्स लेकिन जो पोजिशनिंग है उसका उस वजह से भी। और जिस तरह से आज भी हमने पॉलिसी में सुना कि देर इज़ अ एक्सपेक्टेशन कि जो NPAs है वो काफ़ी हद तक डी एक्सलरेट करेंगे, तो आई थिंक दिस विल बी टेकन पॉजिटिवली और शायद उसके बाद ही हमने थोड़ी बहुत बाइंग देखी है बैंक्स में, यू नो वंस यू नो दैट सॉर्ट ऑफ गॉट एन अब्जॉर्ब बाय द मार्केट। सो आई थिंक दैट शुड स्पिल ओवर टू दैट गुड इफेक्ट शुड स्पिल ओवर टू SBI। लेट्स होप सो। SRF करीब 3% ऊपर है, Havells 2.5%, राजेश एक्सपोर्ट्स, अपोलो टायर्स ये मजबूती दिखा रहे हैं। चंदन इफ यू कैन हियर मी, SRF और Havells इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? जी देखिए इन दोनों पे पॉजिटिव व्यू है, स्पेशली मैं पहले Havells की बात करूं तो मेरा मानना है कि स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स आए, बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, स्टॉक लगातार पिछले 3-4 सप्ताह से आपको दिखा रहा है और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना हुआ है और आज एक वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक बढ़त आई है, लग रहा है कि ऊपर में 425-430 तक के लेवल छू सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव राय रहेगी और ट्रेडर्स को BTST ट्रेड भी कर सकते हैं। दूसरा SRF लगातार पॉजिटिव व्यू थे, रिजल्ट के चलते यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी पड़ी है, अब मेरा मानना है कि नीचे में डिक्लाइन पे यदि 1500 के आसपास मिलता है तो वापस में ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ही काउंटर के प्राइस स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन है, SRF का जो रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था वो लगभग 10-12 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रह सकते हैं, तो दोनों ही काउंटर बेहतरीन लग रहे हैं, Havells को लोग BTST के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। ये दीवान हाउसिंग पे जो चंदन अपनी राय रखिएगा, क्या एग्जैक्टली आउटलुक है आपका इस पे दीवान हाउसिंग? जी हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हम ज़्यादातर कंपनीज में पॉजिटिव, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस जब इसका 232 के ऊपर से ब्रेकआउट हुआ था तब से लेकर लगातार हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप 242 के ऊपर होल्ड करते हैं ऊपर में 262 तक के लेवल इसमें जा सकते हैं और रिसेंट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग स्टॉक देने को तैयार है। कल भी देखे स्टॉक में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जरूर देखी थी बट आज उन्हीं लेवल के आसपास क्लोज हुआ, यानी कि पिछले 3 दिनों से ये काउंटर लगभग 245-247 के जोन को होल्ड कर रहा है और ये एक इंडिकेटर मिल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और मेरा मानना है कि ओवर द टाइम यदि हाउसिंग फाइनेंस में परफॉर्मेंस आनी है स्लो एंड स्टडी तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है सारी कंपनीज को बीट करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। टू व्हीलर स्पेस में आनंद आपके टॉपिक कौन सा स्टॉक है इस समय? कहना मुश्किल है, सभी महंगे नजर आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा लंबा अरसे तक देखें तो शायद TVS रहेगी, अदरवाइज नियर टर्म में हीरो ही रहना चाहिए। चलिए इस बीच अब एक बार ये भी देख लेंगे कि कल के लिए आप कौन से ट्रेड आप कर सकते हैं, बिकॉज कल थोड़ा सा लीन डे रहेगा मार्केट के लिए इस लिहाज से कि आज एक जो बड़ा ट्रिगर था पॉलिसी वो तो आके चला गया, लेकिन अब कल से क्या उम्मीद है। इससे पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि आज जो स्टॉक्स अपने नए हाई पे खड़े हैं, इसमें जी एंटरटेनमेंट है, डेल्टा कॉप है, RPG लाइफ साइंसेज की हमने बात की थी, ये है एपटेक है जो कि अपने नए हाई पर इस समय है, साथ ही और एक काउंटर है बिनानी इंडस्ट्रीज़, ये करीब 7% ऊपर अपने नए हाई पर इस समय, और व्हील्स इंडिया के काउंटर पर करीब 8.5% का मूव
देखने को मिला है। लेकिन अब चलते हैं संदीप के पास। आज के इस ट्रेड के बाद कल की ये BTST कॉल्स कौन सी है ये जानने के लिए संदीप बताइए। शुक्रिया मेहर, आज के लिए जो पहला कॉल है वो है जसडायल के ऊपर। राजेश सतपुते मानते हैं कि यहाँ पे एक BTST ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप। टारगेट वो सुझा रहे हैं 545 रुपीज़ का, उनका मानना है 480 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप तेज़ी की पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। दूसरा कॉल उनकी ओर से है HCL टेक का, 850 तक के टारगेट उनका मानना है कि देखने को मिल सकते हैं, 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। तीसरा कॉल है आज के लिए वो है DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस का। आशीष क्याल मानते हैं कि यहाँ पे तेज़ी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, 266 तक के जो टारगेट्स हैं वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, 239 का स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर में आप तेज़ी करके चल सकते हैं। अजंता फार्मा एक फार्मा स्पेस की कंपनी है जहाँ पर उनका मानना है कि आप तेज़ी करके चल सकते हैं, 1960 रुपये ऑन द हायर साइड जो टारगेट है वो सुझा रहे हैं, और ऑन द लोअर साइड 1800 तक के जो स्टॉप लॉस हैं वो आप जरूर इस ट्रेड में लगा के चलें। आखिरी जो कॉल आए हैं आज के लिए वो नीरव छेड़ा की ओर से है। पहला कॉल उनकी ओर से है अरविंद के ऊपर, 325 के टारगेट वो सुझा रहे हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं, 306 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। जो आखिरी कॉल है वो है नौसिल के ऊपर, खरीदारी करने की राय यहाँ पे भी है, 61 के टारगेट्स वो सुझा रहे हैं, नीचे की ओर जो स्टॉप लॉस है 55 रुपये का लगा के इस काउंटर में भी आप BTST ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जहाँ आप पोजीशंस करके लिए कैरी कर सकते हैं। इस बीच कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपके स्क्रीन पर, मनोज जायसवाल टाटा पावर आज की स्ट्रेंथ को कल के लिए कैरी करने की बगावत कर रहे हैं, लगभग 80 के लक्ष्य के लिए 7350 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। दूसरा ट्रेड है मनोज जायसवाल का, वो है केनरा बैंक इन द मिड कैप प्रेस बास्केट, अच्छा स्ट्रक्चर है याद रखिएगा, 261 का लक्ष्य ये स्तर है, 272 का लक्ष्य है। और इनका तीसरा ट्रेड है सेल ल्यूपिन फार्मा पे, आप देखें स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, 1604 का स्तर यहाँ पे, 87-87 रुपये नीचे यहाँ पर एक आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। कोई भी ट्रेड जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं टारगेट स्टॉप लॉस एक्यूमुलेशन जोन, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000, इस पर आप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते अगर आप देखें एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं। आप देखिए इस बीच जींट एंटरटेनमेंट ने अपने करियर का नया हाई छुआ है। फिर आप देखिए एक RPG लाइफ साइंसेस, इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया और RPG लाइफ साइंसेस 450 के स्तर पे, ये आई थिंक अपने ट्रेडिंग करियर के जी हाँ हाईस पर है, नया हाई लगाया इसने। चंदन इसको ट्रैक करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली चंदन, RPG लाइफ साइंसेस पर आपकी सलाह क्या है, आज इसने एक नया हाई हिट किया है। जी जी हाँ, देखें इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाया और इमीडिएट हर्ड है 425 को इसने पार किया है, 450 के आसपास चल रहा है और आज का वॉल्यूम है कंपेरेटिवली 5-6 दिनों के हाईएस्ट वॉल्यूम को पार कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मूव बरकरार रहना चाहिए, एक नए लाइफ टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिले, 470 तक के यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सटेंसिव मूवमेंट देखे जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजिशन बनाई जा सकती है, 435 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स की भी आप बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि जी लिमिटेड में यहाँ पे नए हाई छुए हैं, नया ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे 522-523 तक के लेवल आ सकते हैं। और BTST के लिए देखो, यदि यहाँ पे ट्रेड देखते हैं तो हैवेल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे 10-12 रुपए के मूवमेंट आने चाहिए, और कोल इंडिया में भी यहाँ पे 350 तक के लक्ष्य बन सकते हैं। और एक दो काउंटर्स को देखिए, एक 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 दो स्टॉक्स और जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, एपटेक का मैं जिक्र कर चुका हूं, व्हील्स इंडिया को देखिए, फिर अगर आप देखिए कुछ और काउंटर्स जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव है उनमें आप देखिए एपटेक के बाद डीलिंग थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है। IDD सीमेंटेशन को देखिए 158 पे, इसने भी अपने ट्रेडिंग करियर के प्रीवियस हाई कुछ हुआ है रिविजिट किया है। फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 4860 पर, फार्म ये आई थिंक ये याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स कारोबार में कंपनी है, 4875 पे कारोबार करिए। शर्मिला ट्रैक करती हैं आप एक्शन कंस्ट्रक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है 2014 से 15 के बीच में, इसने 14 की जनरली जर्नी ऑलमोस्ट 12 रुपए से शुरू करी थी, आज 50 स्ट्राइक किया इसने, कोई ठीक आपका इस स्टॉक पे? नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन आई थिंक एक जो दो स्टॉक जिनकी चर्चा हो रही है, आई थिंक दे कुड बी आल्सो बिकॉज़ कि आज उनके नतीजे काफी अच्छे आए, लाइक व्हील्स इंडिया फॉर इंस्टेंस, आई थिंक इट्स हैड अ वेरी गुड क्वार्टर, सो ऑल्सो जुबिलेंट लाइफ जिसमें भी एक अच्छी मूव देखी गई है, आई थिंक द नंबर्स हियर टू वर प्रीटी डिसेंट, सो आई थिंक यू नो कल से हम ये एक फिनोमिनन जरूर देख रहे हैं मार्केट में कि जहाँ नतीजे मार्केट्स को पसंद है और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी अच्छी लगती है तो उनको तो आई थिंक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, और जिनके नतीजे अच्छे लग रहे हैं और थोड़े मिड कैप है उनमें यू नो एक ऐसा ट्रेंड है कि यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स योर अर्लियर 52 week high or beyond that. I think even Zee Entertainment for that matter, I mean it has just gone from strength to strength. I remember I used to have a buy on it with a target of 390 and now in a blink of an eye it's at 513.
So, you know, I think market has just rewarded companies that are doing well. Chandan, कोई trade closing में recommend करना चाहेंगे? Options trade especially, Chandan? जी हाँ, यदि कोई ऑप्शंस में लेना चाहता है तो यहाँ पे मैं दो ट्रेड रहेंगे। एक तो कोल इंडिया में 340 की कॉल ले सकते हैं, मेरा मानना है कि यहाँ पे 5-7 रुपए के मूवमेंट मिलने चाहिए। और दूसरा देखें कि रियल इस्टेट काउंटर में डीएलएफ ने एक ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट लास्ट आर में आ रहा है और ये ब्रेकआउट एक डिसाइसिव मूव होना चाहिए। काफ़ी दिनों के स्ट्रगल के बाद में 166-167 का लेवल इसने निकाला है और आज एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी इसमें देखने को मिली है, तो 170 की कॉल में यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। उसके अलावा हैवेल्स ऑलरेडी हम बीटीएसटी ट्रेड के लिए डिस्कस कर चुके हैं। इस बीच एक स्पेस और देखिए टायर स्टॉक्स का, 182.50 पे आपका अपोलो टायर्स, जेके टायर्स के नंबर्स देखे आपने और पोस्ट नंबर रिएक्शन में देखा था। ये टंडन साहब, अपोलो टायर्स, आई मीन जस्ट मगर मैं इसके प्राइस को थोड़ा सा मैं देखूं कितना वाइल्ड रहा। अगस्त में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ये 220 तक गया, उसके बाद ये 130 रुपये के नीचे तक आया। 2015 की शुरुआत इसने 250 से की थी। वाइल्ड स्विंग देखने को मिल रहा है सर, अभी चांसेस लग रहे हैं आपको कि यहाँ से 10-1% 12-1% 15-1% की गुंजाइश लग रही है आपको इन लेवल इन प्राइसेस पे? ऑटो ने ठीक किया, ऑटो एंसिलरी ने ठीक किया, लेकिन सबसे लास्ट लेग में अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूट करने आए हैं टायर स्टॉक्स, आपकी क्या अप्रोच है सर इनपे? ये सेक्टर मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि आपने जैसे कहा ये बड़ा साइक्लिकल सेक्टर है और उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज और चाइना के प्रभाव पड़ते हैं, तो इसमें कोई प्रिडिक्शन करना मुश्किल रहता है। ऑटो एंसिलरीज में आप फिर भी ग्रोथ देखकर कह सकते हैं कितना आएगा। टायर्स में कुछ नहीं है बिकॉज दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण उनका प्राइस बरकरार नहीं रह पाता है और रबर के कारण उनका इंपोर्ट प्राइस बरकरार नहीं रहता है, तो मैं कोई खास इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर आप प्योर नंबर देखेंगे तो चीप लगेगा, लेकिन इतना साइक्लिकलिटी है कि इसमें कहना कुछ मुश्किल है। एटलीस्ट मैं ये सेक्टर कोई खास ट्रैक नहीं करता हूँ। इस बीच एक बार बाजार बंद होने में 9 मिनट का समय बाकी है, निफ्टी 8683 पर, लेकिन जो लूजर्स हैं उसमें आइडिया 6% नीचे, ब्लूपिन 5.5% नीचे इस समय है। सीमेंट स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर, हिंडालको, HDFC लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा, आयशर मोटर्स, इन पर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। शर्मिला, ये सीमेंट स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? यस, आई थिंक बिट ऑफ अ मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि नतीजे तो आई थिंक ये क्वार्टर के अच्छे आ रहे हैं और डेफिनेटली आगे चलकर द आउटलुक इज़ वेरी पॉजिटिव क्योंकि यही उम्मीद है कि आगे चलकर डिमांड पिकअप डिमांड में एक पिकअप होगा। बट यू नो टू थिंग्स डेफिनेटली कंसर्न मी, वन इज़ दैट ये जो क्वार्टर है वो सीमेंट कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, लार्जली बिकॉज आई थिंक 2 सालों के बाद हमने एक अच्छा मॉनसून देखा है एंड चैनल चेक समवेयर डू सॉर्ट ऑफ इंडिकेट दैट डिमांड पिकअप हैज़ बीन स्लो, तो वो एक चीज़ है। और उसके साथ साथ आई थिंक यू नो समवेयर इन टर्म्स ऑफ देयर फिक्स कॉस्ट देयर इज अ दैट कंपोनेंट इज ऑल्सो लाइकली टू गो अप इन दिस क्वार्टर। उस वजह से हम देखेंगे कि शायद अगले क्वार्टर नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ बाइंग इज हैपनिंग नाउ बिकॉज ऑफ द गुड नंबर्स एंड बेटर एक्सपेक्टेशन, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा गोइंग अहेड, लेकिन शायद यू नीड टू ये चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और यू नो यू नीड टू रियली टेम्पर डाउन योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एक दो स्टॉक्स को और देख लीजिए, डेल्टा कॉर्प का जिक्र मैं कर रहा था, DII पे आ गया। इस बीच एक दो स्टॉक्स और जिनमें अच्छा मूव है, जी एंटरटेनमेंट अब DII पे आता हुआ, अब 11 रुपये ऊपर, ONGC 228 के स्तर पर, SBI फाइनली अ क्लोजिंग अबाउट 235, फिर आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस 1082 पे। चंदन, ये 1082 पे इन्फोसिस, आपको लग रहा है कि शॉर्ट्स रोल ओवर हुए थे इसमें? याद रखिए कि अगस्त के क्लोजर के वक्त, अगस्त 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद शॉर्ट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे यहाँ पे, और ये जो प्राइस क्लस्टर है बिटवीन 1050 एंड आई थिंक 1090 के बीच में, इसके हायर जोन पे आ सकता है ये? जी देखें, इन्फोसिस देखें, पिछले 2 सीरीज में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, 1270 के हाई बनाने के बाद लगभग 1060 तक ये काउंटर फिसला था और स्पेशली देखें पिछले 12-15 दिनों से ये काउंटर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 1100 की कॉल में राइटिंग हो रखी है, उसके चक्कर में 1100 के लेवल को ये पार नहीं कर पा रहा। बट इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी नीचे में 1060 के लेवल को तोड़ नहीं रहा है, जो इसने जिस दिन पैनिक हुआ था वो लो बनाया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी, बट शॉर्ट कवरिंग होने के लिए इसको
1100 का लेवल को पार करना जरूर होगा। तो यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड होगा, 1100 के ऊपर बाय करें, 1060 का स्टॉप लॉस लगाए और वहाँ से लगभग 80-90 रुपए मूवमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। बट 1100 के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी। और यदि कोई रिस्की ट्रेडर है तो उनको ये सलाह रहेगी कि आप 1100 की ऑप्शन में ट्रेड कर लो, लिमिटेड रिस्क रहेगा और यदि शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाए। बिल्कुल। इस बीच आज एडवांस डिक्लाइन को देखिए, एनएसई पर जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या 560 है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 950 के आसपास। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब डेटा आज का देखना इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा, जिस तरह से मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, रुझान क्या देखने को मिलता है। लेकिन आनंद, अब यू नो ये तो थियरी है ही, सो अल्टीमेटली इसे कैच कब कौन करेगा टॉप को, वो वैसे ही कहना मुश्किल है, एंड यू कैन नेवर एक्चुअली गेट आउट एट द टॉप। तो जैसे आपने खुद कहा कि अब बिकवाली का समय है, कंफर्ट लेवल कहाँ पे जाके इमर्ज होगा री एंटर करने के लिए, आप कितना रीजनेबली कितना करेक्ट होता देख रहे हैं मार्केट को यहाँ से? कि मार्केट के ऊपर राय बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि कौन से कंपनी को कब खरीदा जाए। तो अगर आप देखें तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल एनबीएफसी जो एक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सबसे ज़्यादा गिरना चाहिए। वो गिरेगा कि नहीं वो देखने वाली बात है। तो जब मार्केट टर्न होगा सब एक साथ नहीं गिरेंगे, और कितना गिरेंगे वो भी अलग बात है। तो इस वक्त ये लिस्ट बनाना क्या जब गिरेगा तो मैं ये खरीदूंगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा गिर सकता है वो मेरे हिसाब से उतना वैल्यू आ जाती है। तो अगर आपके पास जो शेयर है वो आपको दिख रहा है कि खरीदना चाहिए, वो आप रेंज बना के रखिए। मेरे हिसाब से कम 10-15% की गिरावट आनी चाहिए, आएगी कि नहीं वो अलग बात है। रिस्की लग रहा है आपको बजाज? इस बीच आज लुपिन ने जो क्लोजिंग दी ना 1604 के स्तर पे, डॉक्टर डीज की थोड़ी थोड़ी यादें ताज़ा कर दी इसने, लेकिन रिस्क देखिए इसमें क्या है ना, कैरी हो रहा है डॉक्टर डीज में, फिर आप देखिए अगले दिन भी कैरी हुआ था, उससे ज़्यादा खराब हुआ था ये। चंदन, यहाँ पे आप 1590 की पुट सिक्योर करना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, अब उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं है उसमें? जी हाँ, मेरे हिसाब से देखें ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल चुका है, अब कोई ज़्यादा ट्रेड करना यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बट ट्रेंड अभी भी यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोशिश पोजिशन यहाँ पे बनानी चाहिए। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। निफ्टी करीब 32 अंक ऊपर 8678 वर्सेज द हाई ऑफ आज का 8728, शायद हम 7 अंक नीचे हैं, लेकिन याद रखिए हम उस लेवल से काफ़ी ऊपर हैं जो हमारा इंटरडे लो था। इंटरडे लो था करीब 8638 का, ऑलमोस्ट आप देखिए करीब 40 अंक ऊपर, दिन के लोअर लेवल से हम इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, 40-45 अंक ऊपर हैं। और अहम भूमिका निभाई है आज अगर आप देखें कुछ हद तक निफ्टी बैंक ने, एक बार प्लीज़ इंडेसेस दिखाइए फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आऊँगा। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो आज ऑलमोस्ट 18935 सिर्फ 3 अंक नीचे रहा। देखिए इसने बहुत ज़्यादा सुबह ख्वाब भी नहीं दिखाया और बहुत गिरा भी नहीं, हार्डली। अगर आप देखें इसका हाई था 19008 का, 19050, मैं आपको रोज़ मेंशन कर रहा हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल और एक बहुत महत्वपूर्ण विक्ट्री है, आज हमको बचा लिया। सिर्फ अगर आप देखें 18500 से 18800 के बीच का जो पुट राइटर है, स्पेशली 11 अगस्त की कॉन्ट्रैक्ट में जो खड़ा हुआ है, उसका कन्वेक्शन पूरे दिन अगर आप देखें टूटा नहीं, कम भी नहीं हुआ, अगर आप वो खड़ा रहा चुपचाप पर। और अहम भूमिका निभाई आज SBI ने लगभग 1% ऊपर, लेकिन याद रखिए SBI अपने CY16 के हाइस पर बंद हो रहा है इस बीच जब इसके नतीजे आने हैं। ये एक अच्छी और आई थिंक फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप देखें क्लोजिंग है। उसके बाद PNB, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, आज सिर्फ अगर आप देखें 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स थे जो इस वक्त आज बैंकिंग बास्केट में कमजोर थे, बाकी सब अगर आप देखें यानी करीब ऑलमोस्ट 8 स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग थे। आपकी स्क्रीन पर आप देखें बैंकिंग स्पेस है। फिर आते हैं कुछ और सर स्टॉक्स पर, आज के कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट वाले स्टॉक्स पे आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। आप देखिए आज के कुछ स्टार प्राइस होमर स्टोर वन रिटेल 20 माइक्रोन्स विल्स इंडिया मोरोटेक CNC कंस्ट्रक्शन इनकाउंटर्स ने आपने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। उसके बाद इलेक्ट्रोथर्म्स सुंदर फास्टनर्स RPG लाइफ साइंसेस सतुल टेक्सटाइल्स और फेडरल मुगल अगर आप देखें कुछ कंपनीज हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा। फिनोलेक्स केमिकल्स माफ कीजिएगा, उसके बाद मुकुंद हो गया, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें ट्री हाउस एजुकेशन एक कुछ काम पर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद आज फार्मा के लिए अगर आप देखें दिन अच्छा नहीं था और आज विषय था ल्यूपिन, सीवेंस बैकफुट पे, HDFC बैकफुट पे, ACC और अगर आप देखें हिंदाल को, ये भी अगर आप देखें आज मामूली सी टर्बुलेंस इन्होंने फील की और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी रही। आयुषा मोटर्स और इंदो फार्मा ग्रासिंग BPCL और MNM ये कुछ और काम पर जहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग रही। और आप देखिए हाल में भारत शुगर, उसके बाद हिताची हरिता सिटिंग्स अगर आप देखें और ल्यूमैक्स ऊपर अपर गेंजे शुगर, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर आगे एक्सट्रीम वीकनेस रही। मवाना शुगर, उत्तम शुगर,
और शुगर के शुगर स्पेस में आप देखें कंप्लीट अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग रही आज सुबह से अगर आप देखें OMC इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग BPCL HPCL हर एक सुबह अगर आप देखें ठीक ठाक खुले तो लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चाहिए यहाँ पे लेकिन आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा अलॉन्ग विद जी इंटरटेनमेंट टाटा पावर लगभग 70-30 के स्तर पर जी इंटरटेनमेंट अपने ट्रेडिंग करियर के अपने हाइस पर 11-30 के इजाफे के साथ कोल इंडिया अच्छा ब्रेकआउट रहा CY16 का नया हाई 337 का स्तर यहाँ पे ONGC अगर आप देखें आज कल के स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद क्रूड में अगर आप देखें यहाँ पर आज एक पुलबैक नजर आया SBI की ये CY16 के नए हाई की क्लोजिंग है 2 रुपये ऊपर रहा लेकिन फिर भी याद रखिए एक ऐसे दिन जिस दिन पूरा बाजार बहुत कंफर्टेबल नहीं था POB अगर आप देखिए 158.50 के स्तर पर उसके बाद बाजार क्लोज निफ्टी ऑलमोस्ट 40 अंकों के नुकसान के साथ 8670 के स्तर पर आई थिंक अब थोड़ा सा हमको थोड़ा सा कोशिश होना पड़ेगा स्पेशली आज कॉल राइटर्स के बिहेवियर को देखते हुए शाम के स्टैटिस्टिक्स बड़े क्रिटिकल रहेंगे याद रखिए FIs की अप्रोच क्या रही कल FIs ने कैश में इन्वेस्टमेंट किया था बहुत अच्छा किया था थोड़ी बहुत उन्होंने कॉल राइट की थी हालांकि उन्होंने हमने शॉर्ट पुट भी काटी थी याद रहे लेकिन उनके कॉल राइटिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था अब वो थोड़ा सा यहाँ से पैसा निकालना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं उसको आज शाम के आंकड़ों के अनुसार देखना पड़ेगा जो FIs की स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनकी तरफ से लेकिन हमारे जो खास विशेषज्ञ थे आज कार्यक्रम में मिस्टर चंदन वो आज कंफर्टेबल नहीं थे सर इस क्लोजिंग पर राय आपकी चंदन और टंडन थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे माफ कीजिएगा टंडन साहब आपकी राय जानना चाहूंगा इस क्लोजिंग पे नहीं देखिए मार्केट में इंडेक्स लेवल पे तो कुछ खास बढ़त नज़र नहीं आ रही है लेकिन बहुत सारे साइड काउंटर्स हैं जो चल रहे हैं मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस वक्त जो है बहुत ही केयरफुली किसी को निवेश करना चाहिए और ये समझ के निवेश करना चाहिए क्यों खरीद रहे हैं क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो उस समय घबराने के बजाय और ज़्यादा खरीदने की हिम्मत रखनी चाहिए और नहीं तो थोड़ा सा अलग होने में कोई हर्ज नहीं है प्रॉफिट टेकिंग में भले प्रॉफिट आगे जाके प्रॉफिट कम बनेगा लेकिन कम से कम आपको लॉस नहीं होगा बिल्कुल चंदन आपकी क्लोजिंग पर है जी हाँ देखिए बाजार ने ऊपर से लेवल से थोड़ी सॉफ्टनेस हुई थी बट इसने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया और नीचे के लेवल पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और मेरा मानना है कि 86.65 जो एक क्रूशियल लेवल होल्ड हुआ था जब तक उसके ऊपर है वापस यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट समर्स होने की गुंजाइश देगी 87.20 इमीडिएट हर्डल जरूर है बट जिस हिसाब से थोड़ी कोल्ड राइट हुई है एक बार बाजार थोड़ा कंसोलिडेट होगा उसी के बाद में एक नई रैली स्टार्ट होगी ऑलराइट चलिए शर्मिला शुक्रिया चंदन आपका भी शुक्रिया और आनंद आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए